बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आज एक गंभीरता से कहना चाहता हूं, बराबर है। कभी ना कभी तुम बुफे में गए हो ना, बुफे में क्या होता है? बुफे नहीं, मैं एक अलग अलग एंगल है। एक देखो, हम तो संसार के कोई भी आइटम देखते हैं, उनको स्पिरिचुअल में कैसे कन्वर्ट कर दे और वही चीज को लेकर के बैठे, बाकी हमें बुफे बुफे में कोई रस नहीं। मैंने पहले बताया था, बफेलो शब्द सुना है ना? क्या है बफेलो? किसको बोलते? उसमें से बुफे आया। मगर वो खैर, मगर बुफे का एक प्लस पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्लस पॉइंट की बात, बुफे में क्या होता है, आप अंदर दाखिल हो जाओ, हर आइटम अलग 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 रखी है ना, आग्रह कोई नहीं, आपको जो भी ठीक लगे वो आइटम ले लो, खा लो और निकल जाओ, बात खत्म, बराबर है। और एक बात बताऊं, अमीर आदमी के वहां शायद भोजन में बुफे की सिस्टम है, कर्म सत्ता ने वैचारिक क्षेत्र में बुफे की सिस्टम बनाई है। रिपीट, कर्म सत्ता ने विचार के क्षेत्र में बुफे की सिस्टम बनाई है। अच्छे गलत बुरे बेकार सच्चे अच्छे, हर तरह के विचार का काउंटर पड़ा है। आप जो भी विचार करना चाहो विचार लेके निकल जाओ। शायद बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, भोजन में सड़ा हुआ भोजन पसंद नहीं करते हो, बुफे में विचार में आपके विचार कैसे? विचार का बुफे नहीं, बोलो सीधी जयस क्या। हर तरह के काउंटर लगे, शैतान के सज्जन के बदमाश के डाकू के लुच्चे के, जो भी जैसा भी बनना चाहते हो वह विचार को उठा के निकल जाओ। आप किस विचार को पसंद करेंगे? बुफे का काउंटर सोच का। क्या हुआ? क्या है ये काउंटर नहीं लगेगा? काउंट क्यों? आप जो चाहे वो आइटम ले सकते हो, फिर दिक्कत क्या? सज्जन का भी विचार है, संत का भी है, शैतान का है, चाहे वो विचार लेके निकल जाओ। क्या है 80-20? हाँ, कोई विरोध नहीं। और 80-20 तो रहेगा ना, एमा तो कहीं मानदो नहीं, मिठाई नहीं आ रहे तीखू प्रसाण भावे तो कहीं मानदो नहीं। अरे 80-20 में तो कोई अच्छा मिलावट चाहिए ना, गलत मिलावट तो नहीं चाहिए ना, अच्छी मिलावट का तो प्रश्न ही नहीं। और जितना दूध होता है उतना जामन होता है क्या कभी? आप 80-20 क्या, मैं 95-5 बोलता हूँ, 95% दूध और 5% चावल, मगर क्या कमाल हो जाता दूध का सीधा दही। आप इतना बोलो माना साहब मिलावट करते मगर दूध और चावल की करते, दूध और नींबू की नहीं करते, इतना बोलो। साहब बोलो, विचार का बुफे है। क्या है डायबिटीज वाले को? डायबिटीज वाले को क्या खाएगा? उपवास कर दे, डायबिटीज हो ही नहीं। क्या विचार का क्या? नहीं, चाहे कैसा भी हो मगर विचार तो इतना टॉप करेगा, इतना टॉप करेगा, इतना टॉप। अभी एक आदमी ने पूछा, अपने मित्रों को पूछा, 2 महीने से अमेरिका की जाने की सोचता हूं, तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? उसने बोला कुछ नहीं, सोचते रहे। सोचने में क्या करना है? सोचते ही रहे। या प्रवचन में भी कई लोग ऐसे, मैं डोनेशन देना सोचता हूं, पूरा चातुर्मास हो जाएगा तब सोचते ही रहेगा। हाँ नहीं, कई लोग ऐसे खोपड़ीबाज होते हैं। हाँ, तुम कभी भी आओ, बस गुरुदेव बस अभी पक्का। और एक बात बताऊं, सोने के लिए तुम घर में शायद अकेलो, मैं गंभीरता से आज का कोटेशन बताऊं, सोने के लिए आप गद्दी पर चादर डाल रहे हो, रिपीट, आप अकेले हो और गद्दी पे चादर डालने का प्रयास करते हो, आपके परिवार में कोई नहीं, पत्नी मायके गई, बेटा अमेरिका चला गया, आप अकेले हो और सोने के लिए गद्दी पे चादर डालते हो, यहां से तुमने चादर डाली और वहां से क्रीज हो गई चादर पे और आपको लगा सोने में मजा नहीं आएगी, अब वहां गए, वहां से तुमने क्रीज अच्छी की, यहां चादर में क्रीज हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 2-4 क्रीज रहे तो सो जाओ, पूरी रात क्रीज अच्छी करेंगे, रात निकल जाएगी, फिर सोएंगे कब? हाँ, कर्म करने के लिए बहुत लोग सोचते माना साहब थोड़ा सेट होने दो, थोड़ा सेट होने दो। मैं बोला तू सेट हो जाएगा तब तक ये धर्म, समझे ना? रात पूरी होने के बाद चद्दर तुम कितनी भी अच्छी करो कोई अर्थ नहीं रहता है। जीवन समाप्त होने के बाद तुम सोच को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, आपके हाथ में आंसू के सिवा कुछ नहीं बचेगा।
रहने दो, दो चार चद्दर पे क्रीज रहने दो और सोने का काम कर लो ताकि आपका काम हो जाए। मेरे लिए क्या बात चलती है? नहीं आज आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। क्या है? हाँ महाराज साहब बहुत महाराज साहब बहुत चापका लगाते हैं वो मारे महाराज साहब को सुधरना चाहिए। यू मैं इतना गरम गरम बोलता हूँ, वो टाइम तो 27 साल के पहले खून भी गरम था। तो मैंने दो लड़के को बुलाया, यार 15 दिन हो गया मैं तो इतना गरम 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 बात करता हूँ, तो जाम भावनगर में तो पहला चातुर्मास है मेरा, मेरे लिए हवा क्या? महाराज साहब आपको क्यों पूछना पड़ा? मैं बोला इसलिए कि इतना गर्म बोलता हूँ, लोग ये तो नहीं बोलते ना कि रत्नसुमा का नेचर बहुत गर्म लगता है, ऐसा कोई नहीं। मैं बोला किसी को भी बुरा भी नहीं लगता है महाराज साहब, नहीं आपके मन में एक कभी प्रश्न उठा कि मैं इतना गर्म बोलता हूँ? मैं बोला क्या बात, मेरे साधु भी बोलते कि गुरुदेव इतने गर्म तो आप कभी नहीं हुए, इतनी गर्मी से बात करते और सबकी चमड़ी जैसे उतर जाए, थोड़ा तो गुरुदेव माइल्ड शब्द का प्रयोग करो। मेरे साधु मुझे बोलते और तू बोलता है गर्म गर्म है ही नहीं। मैंने बोला इतना गर्म होने के बावजूद? महाराज साहब होगा, आप गर्म बोलते होंगे आपको लगता है, मगर हमें कोई गर्म लगता नहीं। मैंने बोला क्यों? महाराज साहब शादी करने के बाद हमने जो गर्म सुना है उसमें तो कुछ नहीं है, ये बोलते ही रहो महाराज साहब। आपकी ओर से विरासत में लोग क्या लेना चाहते, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और समाज की बात नहीं करना, बड़ौदा की बात नहीं, सिर्फ आपके फैमिली मेंबर को यदि आपकी ताकत है एक बार इकट्ठा करो। प्रशांत भाई कोई कोई डरो मत, आपकी धर्मपत्नी और खुले दिल से बोलोगी मुझे किसी के मन में द्वेष नहीं पैदा होगा, बट मैं जानना चाहता हूं मेरे लिए तुम्हारे मन में तुम छवि क्या है। कोई कोई दुखी होने की जरूरत नहीं, ओके। अरे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सच बोलो लैब का रिपोर्ट लेने के लिए तो हिम्मत रखनी पड़ेगी ना। कई लोग ऐसे लैब में रिपोर्ट ही नहीं निकालते, उनको बोलो नहीं 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 मान साहब। मैं बोला क्यों माना साहब? खुद सर आ जाएगा, मेरे को होगा तो आएगा कि ऐसे आ जाएगा? सच बोलो आपके परिवार को इकट्ठा कर एक बार रिपोर्ट लेने के लिए तैयार हो, आप बोलो बिंदास। और सभी को बोल दूंगी मेरे लिए तुम्हारे मन में जो भी छवि है इधर उधर ऊपर नीचे मेरी शर्म रखे बिना आज ओपन माइंड से आप मेरे सामने प्रकट कर दो, गलत होगा तो सुधारने का प्रयास करूंगा और अच्छा होगा और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। साथ बोलो इतनी हिम्मत है आपके पास? नहीं मानो नहीं मानो कुछ नहीं, मांगता नहीं। मानो ना मानो अलग प्रश्न है। जयेश क्या मेरे सामने बोलो, ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, समाज के सामने प्रकट करो, आपका परिवार उनको बोलो। और यदि सभी को बुला कर एक एक को बुला के पूछो मेरे लिए तुम्हारी राय क्या है, बस दैट्स ऑल। और आपको लगे कि मेरे लिए तुम्हारे मन में राय जो है वो गलत है तो गलत है भी दूर करो, और सही है तो आप बोलो गुड गोइंग, अभी उससे भी अच्छा बनने का मैं प्रयास करूंगा, क्या दिक्कत क्या है? क्या हो जिंदर में क्या है आज? हाँ आपको बोलते हैं क्या? जवाब दिया उसने। हाँ ओके ओके, मैं अभी जवाब मुझे मत दो यार, आप मुझे जवाब मत दो, आपको कॉन्शियस को पूछो कि मेरा बेटा मेरे लिए ये राय लेकर के क्यों बैठा है, मेरी पत्नी के मन में ये राय क्यों है, तुमने देखा नहीं ऐसा? मैंने बहुत 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 कुछ प्रश्न देख लिया। मैं आज आपके सामने अभी टाइम नहीं बचाए, बाकी देरानी जेठानी भाई भाभी बाप बेटा माँ बेटी सास बहू और एक दूसरे के लिए राय तुम सुनो तो पागल बन जाओ कि कौन ये स्वर्ग में रहते कहाँ रहते। मैं कहना चाहता हूं बिगड़ा हुआ संसार नहीं है, तुम ये मत मानो बिगड़ा हुआ है, सब बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा। मगर इनके लिए पिताजी और माताजी को देरानी और जेठानी को सास और बहू को जीवन का बलिदान देना पड़ता है।
तुम टीवी खोलने के लिए बैठे हो और वो सीरियल देखने के लिए बैठे हो कि आपके बेटे के मन में गलत फहमी हो सकती है। पप्पा 60 साल की उम्र में ऐसे सीरियल देखते, आपको जिंदगी भर वो सीरियल बंद करने की ताकत रखनी पड़ेगी। नहीं, सारी दुनिया मेरे लिए कुछ गलत फहमी करे चले, मेरा बेटे के मन में मेरी छवि गलत हो नॉट पॉसिबल, हर संभव मैं प्रयास करूंगा। क्या है? अपनी भूल आ नहीं दिखाई, तू ये कहता है कि हमारा सब हमारी गलती में दिखाई नहीं पड़ती है। मैं निश्चित तौर से कहूंगा नहीं दिखाई पड़ेगी, अपना मुंह अपने को नहीं दिखाई पड़ता है, दर्पण देखना पड़ता है और दर्पण होता है तभी तो मुंह दिखाई पड़ता है। अपनी गलती के लिए किसी दर्पण को लेके आओ, तब पता चलेगा कितनी गलती लेकर के बैठे हो। बराबर है? आज बात बैठी क्या है? नहीं 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 नहीं, सच बोलो। मैं तो बताऊं, डॉक्टर के पास तू जा और मलेरिया हो गया, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं है, जाओ मजे से जलसा करो, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, क्या वो अच्छा सुनने, डॉक्टर के पास अच्छा सुनने के लिए जाते? क्या है? ये डॉक्टर से भी अच्छे, आपका परिवार तो डॉक्टर से भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर शरीर का रोग चेक करता है, आपका परिवार आपके मन को खुला कर देगा। एक लड़का नाम पास हुआ, बाप के पास रिजल्ट लेके आया, अभी फेल हुआ तो बोलना ही चाहिए ना फेल हुआ। और जैसे ही हो बेटे ने बाप ने पूछा, बेटा रिजल्ट कैसा आया? पापा रिजल्ट की बात फिर करूं, आप टीचर ने मुझे रिजल्ट तो दिया मगर रिजल्ट देने के बाद बोला ये विरासत का ही प्रभाव है। तेरा बाप इनका बाप सब फेल ही हो। वो मानने के लिए तैयारी में फेल हुआ। फिर एक दूसरा बेटा आया, उसने बाप को बोला, बाप ने बोला ए बोल रिजल्ट क्या है? पापा को मालूम है बड़ोड़ा का एक नंबर का लॉयर, इनका बेटा फेल हुआ। बाप नहीं समझता, बाप ने बोला बेवकूफ तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं, पप्पा बड़ोड़ा का एक नंबर का डॉक्टर, इनका बेटा भी फेल हुआ, मेरे ही क्लास में था। अभी बाप क्या पूछ रहे हैं प्रसन्न भाई? उनका तेरा रिजल्ट क्या है? पप्पा बड़ोड़ा का एक नंबर का लॉयर का बेटा फेल हुआ। फिर पूछा तेरा रिजल्ट क्या बोल? पप्पा बड़ोड़े के एक नंबर का सर्जन डॉक्टर, इनका बेटा भी फेल हुआ। अरे तेरे रिजल्ट की बात, बड़ोड़े के एक नंबर का बिल्डर का बेटा भी फेल हुआ। अभी बाप घर में, अरे तेरे रिजल्ट की बोल, पप्पा तुम कौन सा आइंस्टाइन हो गए, आपका बेटा पास हो जाएगा। आज एक छोटा सा नियम, सिर्फ एक दिन के लिए, आज का पूरा दिन आपके परिवार को आपकी ओर से प्रेम का मैसेज जाना चाहिए, बस इतनी बात। आज का दिन पैसे का, पुण्य का, पवित्रता का, प्रसन्नता का मैसेज जाए या न जाए, मगर आज के एक दिन पूरे दिन आपके परिवार की ओर आपकी ओर से प्रेम का मैसेज मिलेगा। कुत्ता आया रोटी दे दो, गरीब आया 2 रुपया दे दो, रिक्शा वाले ने 15 मांगा 20 दे दो। लगना चाहिए कि आज पप्पा प्रेम को इंप्लीमेंट करने जा रहे, ओनली फॉर वन डे। बराबर है आज का एक नियम, आपके परिवार को पवित्रता का, प्रसन्नता, पुण्य का, पैसा का मैसेज चले या न चले, आज के दिन आपके परिवार के सभ्य को आपकी ओर से प्रेम का मैसेज मिलना चाहिए। राइट, दे दू नियम, ओनली फॉर मंडे। सास को कहना चाहता हूं, बहू को कुछ बोलना नहीं, आज प्रेम ही दिखा देना। हाँ बहू को भी बोलता हूं, ये बोलते बहू को बोलो, गड़बड़ लगती है कुछ। धारणा भी ग्रह बचकाए, बहुत अच्छा, धारणा भी ग्रह बचकाए।
अनंतरम गणम सहसागरण महोत्तरागरण सरस्वत्यागरण वत्सले बात आनंद नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम एसो पंच नमुकारो सर्वपापणासन मंगलानं च सभ्ये सिंबड़ मम वै मंगलो नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिने हरते योगिनाथाय महावीराय ताईने जय जगजीव जोनी वियाण जग गुरु जगानंद जगनाओ जगबंधु जय जग प्रिया महो भैव जय सुण भवो तीर्थराण पश्चिमो जय गुरुलोकाण जय महप्पा महावीर ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जायते योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनी सेमीय पाय ओं क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे उसी पास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः यत्किंचन कारी स्वेहि परेहि वा हन्यते अनंत कारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आज का सूत्र